alphabetical order by the name of the institute. आज की ये जो हमने मीटिंग रखी है ये साइंस कम और हेल्थ और कोविड ज़्यादा उस दृष्टि से ये मीटिंग है। साइंस की तरफ से जितना अधिक से अधिक कंट्रीब्यूशन कोविड के खिलाफ जंग में हमारे वैज्ञानिकों का हो सकता था वो मैं समझता हूँ कि आप सब ने मिलके किया है, असाधारण तरीके से किया है। जिस लेबोरेटरी का जो मैंडेट था उस मैंडेट से बाहर जाकर भी जो जो कुछ हम कर सकते थे वो सब कुछ हमने किया है। उन सब चीज़ों का मैं आज विस्तार से उल्लेख करने के लिए नहीं यहाँ पर मीटिंग कर रहा हूँ, लेकिन उस सब के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं कि यू हैव ऑल रिजन टू द ओकेजन एंड डिलीवर्ड सो वेल कि अभी जो भी कोविड के खिलाफ जंग हो रही है उसमें यूँ तो पूरी सरकार होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ काम कर रही है, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और हमारा CSIR बायोटेक्नोलॉजी ये सब लोग मिलकर इन्होंने बहुत अभूतपूर्व योगदान किया है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कोविड के खिलाफ लड़ाई का जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का बहुत ज़बरदस्त योगदान ना रहा हो। इसके लिए मैं हृदय से आपको बधाई देना चाहता हूँ। हमारा प्रमुख इस समय रिसर्च चल रहा है वो वैक्सीन के डेवलपमेंट के बारे में चल रहा है, नई कोविड के खिलाफ ड्रग के खोज के संदर्भ में चल रहा है, रीपर्पसिंग ऑफ ड्रग्स के संदर्भ में चल रहा है, या फिर नई नई किट्स को बनाना वैलिडेट करना इन संदर्भ में चल रहा है, जीनोम वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के संदर्भ में चल रहा है, वायरस के बिहेवियर को असेस करने के संदर्भ में चल रहा है, वायरस की बायो रिपोजिटरीज में वायरस को सैंपल्स को इकट्ठा करके उसको सारे एकेडमिक वर्ल्ड को देना पहुंचाना, और फिर मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से तो जो भी चीज़ें आवश्यक थी वो सारी की सारी हमारे लेबॉरटरीज़ ने, जैसा मैंने कहा कि जिसका मैंडेट नहीं था, अब NAL का मैंडेट अगर हवाई जहाज बनाना था उन्होंने वेंटिलेटर भी बना दिया इस बीच में, बहुत सारे PPE किट्स से लेकर और जितने प्रकार के नए तरीके के मास्क हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है इस बीच में डेवलप हुई हैं। उस दृष्टि से आप सब ने बहुत योगदान किया है, लेकिन आज जो हमने मीटिंग की है उसमें आपके उस वैज्ञानिक के रूप में योगदान से ज़्यादा हम चाहते हैं कि आप जो इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर्स हैं वो अपने इंस्टीट्यूशन में भी और सोसाइटी में भी इस समय एक लीडरशिप का रोल हाथ में लेकर, और जो एक बड़ा चैलेंज अभी हमारे सामने है और जिस चैलेंज को एक प्रकार से सामना करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक जन आंदोलन की बात की है, उसके लिए सारे देश की सारे समाज की सारे विभागों की सारे इंस्टीट्यूशंस की और इंस्टीट्यूशंस के लीडर्स की सबकी फ्रंट में आकर और बहुत एग्रेसिवली बहुत प्रोएक्टिवली इस लड़ाई को समर्थन देने के लिए आवश्यकता है।